नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएमआर बार टीवी और मैं आपके साथ सुनील खिची। और आज हम पहुंचे हैं जल भुगता संगम बिसलपुर ब्रांच के अंदर और यहाँ जो निर्विरोध यहाँ अध्यक्ष चुने गए हैं लब्बू सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे खास मुलाकात के अंदर बातचीत करते हैं कि देखा जाता है कि एक किसान वर्ग है जो भारतीय कृषि प्रधान देश है, यहाँ 65% जो किसान है वो बिल्कुल पाए जाते हैं, लेकिन इनके जो बात करें जल उपभोक्ता संगमों की तो कोई यहाँ व्यवस्था ही नहीं की जाती है। इसी को वीएमआर भारत टीवी आज एक मुद्दा उठाया है, जल उपभोक्ता संगम के खड़ों का निर्माण का किस हिसाब की व्यवस्थाएं हो रही है और नहर की साफ सफाई किस हिसाब की हो रही है। देखा जाता है आप जो खड़े हैं कम से कम 50 साल पहले के बने हुए हैं, लेकिन आज तक उनकी कोई शुद्ध बुद्ध नहीं है, वो बिल्कुल जर्जर आतन में पड़े हुए हैं। तो आइए जानते हैं जल उपभोक्ता संगम अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हुए लब्बू सिंह जी के मुंहजवानी से। सर, पहले तो वीएमआर भारत टीवी में बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद बीएमआर भारतीय के सुनील जी खिची के साथ बहुत आपका आभार हो। थैंक यू सर, थैंक यू। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ये कि खाड़े के बारे में जैसे नहर के बारे में, तो हमें सबसे पहले तो मैं हमारे किसान लोग जो है बंधु उनको सबसे मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरे को निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाने पर बहुत बहुत आभार उनका। थैंक यू। और मेरे पर जो भरोसा किया है तो उनके मैं विश्वास पे खरा उतरूंगा, जो भी समय समय पर उनका जो निस्तारण होगा मैं जिन आवाज़ उठाता रहूंगा। और मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी ये रहेगी कि जो राज्य सरकार है चाहे केंद्र सरकार है, इन सबसे मैं आग्रह करना चाहता हूं कि जो आज 1984 में जो बने खाड़े बने नहर बनी है इनकी हालत जर्जर अवस्था में पड़ी है और वोट बटोरने के लिए कोई भी पार्टी आ जाती है, बीजेपी आ जाती है, कांग्रेस और अन्य कोई भी पार्टी आ जाती है, बोर्ड लेकर चले जाते और यहाँ कोई नहीं देखने वाला, शुद्ध भी नहीं लेना। किसान की बुरी कंडीशन है और नहीं तो ये खाड़े पड़े वो भी जर्जर अवस्था में पड़े, तो इनके लिए मैं सरकार से जो भी किसी की सरकार बने उनसे आग्रह करना चाहता हूँ कि हमारे को इन खाड़ों को या नहरों को रख रखाव के लिए नया पंचायती राज संस्था हो या और कोई अन्य फंड हो जो भी उनमें ये बजट दिया जाए और इस खालों की देखरेख की जाए, नहरों की देखरेख की जाए। लेकिन पीछे बजट तो बहुत घोषणा की है अशोक जी सरकार ने, लेकिन इसे नहर की हालत देखोगे तो उसकी बुरी कंडीशन पड़ा है, बजट पूरा हो गया, नहर उसी हालत में पड़ी, जर्जर अवस्था में पड़ी है। और बाकी जो भी राजनीतिक पार्टी आए उनसे मैं यही आग्रह करूँगा कि हमें किसानों पर ध्यान दें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा विकास करवाए। सर, बात करते हैं, पहले भी आप कोई संगठन संस्थाओं से जुड़े हुए थे, अध्यक्ष पद पर आप जो मान लो अभी विराजमान हुए हो, तो यहाँ की जनता ने किसानों ने आपको बिसलपुर माइनर से निर्विरोध किया, ब्रांच से आपको यानी कि निर्विरोध चुना है जी, जी। तो सर इसके पीछे का क्या कारण है, पहले कोई संगठन संस्थाओं से जुड़े हुए थे या किसानों के काम आए थे? पंचायत राज से जुड़ा हूँ पहले और किसानों से भी जुड़ा हूँ और जो मेरे पे भरोसा किया है उन्होंने कुछ देख के किया है, उनको कुछ विश्वास लगा है कि ये बंदा काम करने के लायक है, हमारी आवाज़ सुनने के लायक है। और वैसे भी मैं तो कोई भी बंदा आता है उसके लिए हमेशा के लिए तत्पर रहता हूँ, रात दिन कभी भी आ जा, मेरे रात को 12 बजे आके मेरे खटखटा था मैं उसके लिए तैयार रहता हूँ। नहीं सर, पहले बात करते हैं, आप बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हो, आपके बारे में हमने सर्च किया कि आप बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हो जी, जी। तो बीजेपी पार्टी के प्रथम कार्यकर्ता हो या सेकेंड कार्यकर्ता? नहीं, प्रथम कार्यकर्ता जी। अगर पार्टी मौका दे आपको बड़ा उत्तरदायित्व देने के लिए, किस और कदम रहेंगे आपके? जो रहेगा उनका, वो जो मेरे पे विश्वास जताएंगे तो हम उस पे खरा उतरेंगे, क्योंकि ये पहली पौड़ी आप चढ़ चुके हो। वैसे तो देखा जाता है ये राजनीति की, आजकल सरपंच वगैरह है या अध्यक्ष है तो वो आजकल राजनीति की नज़र से ही आपको देख रहे हैं, हकीकत बात है। वैसे तो किसानों के किसानों से अटैचमेंट में होता है ये पद, लेकिन अब सरपंच है वो भी ग्राम पंचायत के अटैचमेंट थी, देश की ग्राम पंचायत की सेवा के लिए होता है, लेकिन सरपंच को और अध्यक्ष को भी आजकल जोड़ा जाता है राजनीति से। तो पहला कदम आप बढ़ चुके हो, तो आगे किस और कदम रहेंगे आपके? ये पहली कड़ी है जो किसानों से जुड़ी हुई पहली कड़ी है और वो किसानों से लगातार धरातल पे जुड़े हुए हैं और वो किसानों पे पूरा उनको ध्यान है, पूरा उनका किस तरह विकास कराना है, क्या करना है, इनको सबसे ऊपर से जो मंत्रीगण है जो ऊपर के जो ऊपर की ऊपर बात कर लेते हैं लेकिन धरातल पर कोई नहीं आता है और नहीं किसी से पूछते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैं तो ये करना चाहूँ कि ऐसे कोई टीमें बनाए, उसमें हमको शामिल करे और हमसे पूछे, सुझाव लेवे कि आप किस तरह से ये कार्य करना है और किस तरह ना। लब्बू सिंह जी, एक और बहुत ज़्यादा बड़ा मुद्दा है सर, वो मीडिया के अंदर भी आपने कई बार देखा होगा, काफ़ी मान लो मीडिया वाले हैं या पत्रकार बंधु हैं या चैनल वाले हैं वो काफ़ी उस पर प्रकाश डालते हैं, लेकिन उसको कई धरातल पर अभी तक उसका निवारण नहीं हुआ है, जैसे सिंचाई पानी चोरी।
तो देखा जाता है सीवरेज लाइन के द्वारा पीछे जो फर्स्ट डैम है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी सिंचाई पानी चोरी किया जाता है, अपने तक टैल तक पहुँचता पहुँचता वो शून्य पानी के बराबर या 1% के पानी के बराबर सिंचाई रह जाता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा अभाव पड़ता है आगे के जो किसान काश्तकार होते हैं। आपका क्या मानना है कि इसके अंदर राज्य सरकार इस पर कोई जैसे कोई कमेटी गठित की जाए या इसके अंदर कोई पुलिस थाना वहाँ बिठाया जाए ताकि इसकी ये धरपकड़ में आ सके? ये सिंचाई नहीं, ये तो वैसा है कि ये मन कमेटी भी बिठाई जाए लेकिन प्रशासन से कुछ नहीं होगा, प्रशासन कुछ नहीं कर पाएगा और अपना जो समाज है वो भी कर सकेगा इनके लिए, और कमेटी करे उनको भरोसा करे जिसको चुने जिस हिसाब से करे वो जनता ही कर सकती है और कुछ नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता है जी। तो सर बात करते हैं आपके यहाँ कितने परसेंट किसान हैं और आपके जो बसलपुर ब्रांच है इसके अंदर कितने मोगे हैं और उस मोगों के अंदर किस साब की समस्याएं उत्पन्न हो रही है और आप बताना चाहे प्लेटफॉर्म पे रखना चाहोगे? हमारे बसलपुर ब्रांच में 27 मोगे हैं जी, टेल से जीरो से लेकर टेल तक जी। उसके टोटल के अध्यक्ष साहब? नहीं मैं सर, मैं तो 8 चक्कों का अध्यक्ष हूँ। 8 चक्कों जी, और मेरे पास 8 चक्के और बाकी जो इसमें डिस्ट्रीब्यूटर निकले हुए 15 से 20 इसमें निकले हुए जी। तो इनमें अलग अलग जिम्मेवारी दे रखी सबने, अलग अलग है और हाँ अलग है। उनके लिए भी सरकार ने बोला था कि हम इनका चुनाव कराएंगे कि अध्यक्ष लोग हैं उनके चेयरमैन चुना जाएगा, उनका भी वो भी ठंडे बस्ते में डाल दिया है। अभी तक कुछ उसकी नहीं सुनो ही नहीं है, नहीं तो उनका कुछ चुनाव किया जा रहा है नहीं तो कोई घोषणा की जा रही है। तो आगे ये भी कदम बता रहा हूँ कि मैं कि ये चेयरमैन चुने उनका जल्दी से जल्दी निस्तारण करे ताकि इनका किसानों का भला हो सके। तो सर बातचीत करते हैं आपके जल उपभोक्ता समूह के अंदर जो नहर ये निकाली गई है, ये नहर शायद देवी सिंह जी भाटी ने निकाली हुई थी क्योंकि इंदिरा गांधी नहर उनको उनका काफी योगदान ले तो भी अच्छा है, अच्छा वो किसानों से जुड़ा हुआ धरातल पे जुड़ा हुआ है। पर मैं तो आप अपना जो मुद्दा है जो भी मुद्दे हैं देवी सिंह जी भाटी के पास नहीं लेके गए कभी? नहीं सर, मैं अभी तक लेके नहीं गया हूँ, मैं उनके पहले तो उनके पास सत्ता में नहीं थे सर, अब सत्ता में आए तो अभी 3 तारीख का जो आ रहा है रिजल्ट हमारा तो हमारी तरफ आ रहा है, एक तरफ दिख रहा है और वो आते ही हम जाएंगे 3 तारीख को हम बीकानेर मिलेंगे और उसके बाद में हम आगे की राजनीति जो भी चर्चा करेंगे। बिल्कुल ना, सबसे इस मुद्दों पर सवाल उठाया जाएगा सर, ये धरातल पर जो भी मुद्दा है किसानों की जो भी मुद्दा है वो हर समय समय पर उठाया जाएगा। सर अभी बताया जा रहा है कि बिल्कुल ये अफवाहें भी अफवाहें हैं या सच है, ये देखने को मिल रहा है कि अभी 600 करोड़ का बजट पास हुआ है जो जल उपभोक्ता संगमों के लिए, उसके लिए जो खाड़ा निर्माण है, नहर निर्माण है, फट्टी निर्माण है, जितने भी विकास कर रहे हैं वो किए जाएंगे, उसको पंचायती राज के साथ जोड़ा जाता है, क्या कहना चाहोगे? जी सर, मैंने इस बारे में मानो इसके नहर डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनसे मैंने बात की, उन्होंने बोला कि अभी तक कोई बजट लागू नहीं किया है और जैसे होगा आपका अवगत करा दें। मेरे को तो एक्शन साहब से बात हुई तो बता रहे कि ये तो मोहनगढ़ जैसलमेर साइड का आपका तो इधर है नहीं। मैंने सर मैंने तो अखबार पढ़ा है और ये आप हमारे टूटे फूटे खाड़े जर्जर व्यवस्था में पड़े उनके लिए छोटा छोटा बजट पास कर दीजिए तो हम काम करवाते सर। तो सर बातचीत करते हैं बीजेपी पार्टी से विलोम करते हो आप, अगर बड़ा उत्तरदायित्व दिया जाए आपको किस आप कदम रहेंगे आपके? देखो वो जनता भरोसे करेगी वैसा, जनता जनार्दन है, जनता जनार्दन है जो कहेंगे वैसे, हम तो बीच में हर तत्पर तैयार रहेंगे, किसी भी टाइम तैयार हैं, जनता के बीच में रहते हैं हम। हमारे साथ जुड़े हुए थे जल उपभोक्ता संगम लघु सिंह जी, विशेष तौर से उनका बोलना है कि किसानों की किसी प्रकार की मांग होगी या मुद्दे होंगे बिल्कुल मैं तत्पर तैयार रहूंगा, चाहे दिन हो चाहे रात हो, मैं किसानों के पहले भी अटैचमेंट में था और धरातल पर जो भी मुद्दे होंगे समस्याएं होगी या समस्याओं को निवारण करने की पूरी कोशिश करेंगे। और बात करें जन कल्याणकारी योजनाओं की तो बिल्कुल केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो बिल्कुल